छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। साइलों से पलटने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए, इन्हीं साइलों पर बड़े तूफान छुपे बैठे होते हैं। मेरी एक आंटी है, बहुत बीमार है वो, मैं उन्हें मिलने जाना चाहती हूँ लेकिन आगा को अच्छा नहीं लगता। मुझे जाना चाहिए उन्हें देखने, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर तुम मेरा साथ दो। तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज्यादा इनाम मिलेगा, रखो। मैडम, मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। ऐसे क्या देख रहे, रोज तो देखते हैं मुझे। हाँ देखता तो हूँ लेकिन इतना हसीन नहीं। हजारों हसीनाएं मरती होंगी आप, मुझे कुछ नहीं बताते आप, राज रखते हैं मुझसे हर बात। जैसे तुम मेरे होते हुए रहती हो, मैं जाने के बाद भी ऐसे ही हसीन है ना। मत क्या करें ऐसी बात है, आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी उदास हो जाती हूँ। जानती हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारी जानिब ही लगा रहता हूँ। तुम्हारी खातिर तो सब कुछ छोड़ छोड़ के शहर में डेरे डाले हैं। मैं दुबई का सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है। तो फिर ना जाए ना, जाना इतना जरूरी है। घर में मैं अकेली हो जाती हूँ और ऊपर से ये पहरे। हट जाएंगे, सब हट जाएंगे, बस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा दुबई से। रहने दें आप जाते ही अपनी लैला सपा को भूल जाते हैं। मुमकिन नहीं है ऐसा। बादे सभा को तो भूल सकता हूँ लेकिन लैला सभा को नहीं। यही आपकी बात है ना जो 24 घंटे मुझे आपकी याद से जोड़े रखती है। खुश नसीब हूं मैं, बहुत महसूस होता है ऐसे। भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू, अभी भी वक्त है बाज आ जा, शायद तू जानता नहीं है बेरोज करीम। तुम डरते नहीं हो, ये खसूसियत है तुम में। मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। मालिक बहुत मेहरबान है और उनके मुझ पर बहुत एहसान है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैं मालिक के वापस आते ही उन्हें सब खुद बता दूंगा, उनके पांव पड़ जाऊंगा कि वो मालकिन को अपने खून के रिश्तों से मिलने की इजाजत देते। लेकिन क्या वो मुझे माफ कर देंगे इस गलती पर? एक मामूली नौकर कितनी बड़ी बात मान लेंगे? या खुदाया मैं क्या करूं। साफ करो इसे। जी जी मालिक। परेशान दिख रहा है, कोई परेशानी है? नहीं मालिक। कोई बात जो करना चाहते? नहीं कोई बात नहीं मालिक। सोच लो, फिर ना कहना कि मौका नहीं दिया। पक्का? जी मालिक।
बड़े दिनों बाद सजने सवरने का दिल चाह रहा था। भाई आगा बहरोज कहकर गए कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बाद भी हसीन लगा करो। तो उनकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ? हाँ बस निकल रही हूँ। सुनो मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। और तुम यहाँ इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत उलझन होती है। इंतजार से ज्यादा उलझन मुझे इस अमल पर होती है जो मैं मालिक से छुप कर रहा हूँ। मैडम ये आपने कहा था आखिरी दफा है, इसके बाद आप मालिक से खुद इजाजत लेंगी यहाँ आने की? हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँ नीचे चले जाओ, नीचे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खा लो। जी जल्दी चलो, घर के नंबर से आगा को फोन भी करना है, बहुत देर हो गई। जी मैडम। आगा आप आ गए, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। घर पलटने में देर कर दी आज तुमने, सो मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा। आगा मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, घर जल्दी आना चाहिए था, मैं अपनी सहेली से मिलने आना चाहती थी, पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दे। ये ना सारी गलती इसकी है, इसको पता था मैं अपनी सहेली से मिलना चाहती हूँ, उसने मुझे बातों में लगाया, जरा से इनाम और थोड़े से पैसों के लिए ये मुझे यहाँ तक ले आया, मुझे तो लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला है, पता नहीं मैं किस खतरे में थी। अच्छा वो आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या कर रही हो यहाँ? तुम तो कह रहे थे कि कहीं और जाना है, हम क्यों लाए अपनी मालकिन? जानते हो ना ये जगह सेफ नहीं।
आगा इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपके खिलाफ मुझे वरगलाने में। पता नहीं क्या चाह रहा था ये। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि आप आ गए। क्या कह रही? मैडम ठीक कह रही है मालिक, नहीं इन्हें बहला फिसला कर यहाँ लाया हूँ। बहुत कच्चे निकले हो तुम, कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मुझे मारने के बाद मेरी लाश को मस्क कर दीजिएगा। इस वजूद के साथ मैंने बहुत सहा है, दूसरा मौका देने का कायल नहीं हुआ है। और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। फिरोज, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत बर्दाश्त कर लिया उस झूठ को मैंने, अब मजीद नहीं। हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी पुरानी मोहब्बत में बह गई थी, मुझे माफ कर दे आगा। हाँ मुझे माफ कर दे। मालिक ने गलती मेरी है, मालकिन की नहीं, उनको माफ कर देती। मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। आगा, आगा, आगा मुझे माफ कर दे। दोनों को खत्म करके उनकी लाशें समंदर में बहा दी। मैं तकलीफ तो नहीं हुई होगी ना उसको इतनी ज्यादा? मौत के बाद तकलीफ और अजियत दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ठीक कहते हो, मौत से ज्यादा मेहरबान भला और कौन हो सकता है? मौत तो बिल्कुल मां की गोद की तरह होती है। मालिक रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए। क्या करूंगा, घर जा करूंगा, जब वो ही नहीं रही तो घर कैसा? थोड़ा जल्दी निकलना होगा मालिक, कुछ सोचना भी हो।
इस लड़के का बाप कोई एम्बेसडर था, आराम से नहीं बैठेगा, वो जरूर अपने बेटे को तलाश करेगा। निशानियां तो मैंने सारी मिटा दी है मालिक, लेकिन जहां वो जाती थी वहां एक लड़की भी रहती थी, वो लापता है। ये कुछ दिन तक अब ये सारे मामला तुम ही देखोगे। क्या नाम था उस लड़के का? फरीजाद। फरीजाद कहाँ है वो? लीडर लीडर हो, तुम्हारा जख्म भी बहुत गहरा है। मैं कहाँ हूँ? आ रहा हूं। तोड़ना है क्या दरवाजा? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या हुआ, कुछ पता चला फरीजाद का? नहीं, बहुत ढूंढा नहीं मिला फरीजाद। जहां उसकी एक हल्की सी भी उम्मीद हो सकती थी मिलने की, वहां भी जाकर पता कर लिया, मगर कोई खबर नहीं। एक महीना होने को आया, अगर तुम्हारे मालिक ने उसे किसी काम से भी भेजा था तो अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, अगर वो ड्यूटी पर जाता तो मुझे जरूर बता कर जाता, इत्तला करके जाता मुझे। जरूर किसी मुसीबत में मेरा दोस्त, मेरा दिल बहुत बेचैन है उसके लिए। ऐसा क्या काम करता है तुम्हारा बड़ा मालिक? मुझे तो घबराहट होने लग गई है, टेंशन अलग। मैंने मना किया था परिजा, ये आग का खेल ना खेले। हम जैसे छोटे लोग इन बड़े लोगों के ना तो साथ चल सकते हैं ना बराबर, मगर पता नहीं क्या जुनून था उसको खुद को मनवाने का। हमारे पास तो उसके किसी रिश्तेदार का नंबर तक नहीं है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जिस मालिक ने तुम्हारे पास उसे भेजा था तुम उससे जाके बात करो, हो सकता है वो कुछ बताए। नहीं, क्या बोलूंगा उस हाथों में कि मेरे भरोसे उन्होंने परिजात को पराए शहर भेजा और वो खो गया कहीं। मैं नहीं बता सकता उस हाथ को। हम कर भी क्या सकते हैं? आप करना ही पड़ेगा, मैं ढूंढूंगा उसे। बस तुम दुआ करो कि मेरा दोस्त खैरियत से हो। छोड़ो, तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, चाय पियो। यस सर, डीएसपी बदर पुनीर आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसे भिजवा दो अंदर। जी सर, आप अंदर जा सकती। सर का मूड कैसा है? फिलहाल अभी तक तो ठीक है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। तुम बैठो। थैंक यू सर। वो एम्बेसिडर की बेटे की गुमशुदगी के केस का क्या हुआ? मैं हैरान हूं कि आईजी साहब ने इतना अहम केस तुम्हें सौंप दिया। सर, हम लोगों ने शहर में जितने भी मशकूक अड्डे उन पे रेड्स भी करके देख लिए और नाकाबंदी भी करके देखी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रही है। नो नो नो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। उसकी गुमशुदगी की आजकल डिस्कस पार्लियामेंट में भी हो रही है। वो आम बंदा नहीं, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा है। सर, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द कोई कामयाबी हासिल हो जाए। मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर है,
और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी आज कॉल आई है कि जल्द रिपोर्ट पेश करें। पुलिस क्या कर रही है? सर प्रॉब्लम यह है कि वो लड़का इस्लामाबाद का रिहायशी था, यहाँ किसी 5-स्टार होटल में रह रहा था। उसकी गुमशुदगी के साथ साथ उसकी गाड़ी और उसका मोबाइल भी गायब है। उसका यहाँ पे ना कोई दोस्त है ना वाकिफ, इसलिए हमें तफ्तीश का आगाज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तुमने उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक की? जी सर की थी। उसकी गुमशुदगी की रात तक उसका फ़ोन जो था वो एक्टिव था साहिले समंदर तक, उसके बाद से उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। सर हमें शक है कि शायद उसने खुदकुशी कर ली हो। ओह नो नो बदर मुनीर, खुदकुशी के लिए कोई रीज़न कोई मोटिव होना ज़रूरी है, और फिर उसकी लाश का मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मैंने एक नई टीम जो है वो तरतीब दी है, मैं आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ दूंगी। डू समथिंग सून, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। लेटे रहो, अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ। परीजाद, परीजाद, तुम्हें कहा भी था जब तक ठीक नहीं होते बाहर ना निकलो, भी गलत काम करते हो तुम, हिम्मत करो। शाबाश। जागे तुम? मुझे कौन लेकर गया था और क्यों? सुल्तान का हाथ बहुत भारी है, इसलिए तुम्हारे सर की चोट भी काफी गहरी थी। मालिक के कहने पे
तुम्हें एक महफूज जगह पे रखा था। तो मुझे जिंदा छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? ये भी मालिक का ही हुक्म था। तुमने वैसे काम तो पूरा मर जाने वाला ही किया था, लेकिन ना जाने क्यों मालिक ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। और मालकिन, उनका क्या हुआ? उन दोनों को मौके पर ही ख़त्म कर दिया गया था। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, तुम 2 महीने बाद अपने होश हवास में आए। दिन गुजर गए। हाँ, हमने खुद तुम्हें बेहोशी के आलम में रखा, क्योंकि तुम बहुत जज्बाती हो, और जज्बातीपन में कोई ऐसी हमाकत ना कर देते कि कानून की नज़र में हम और मशकूक हो जाते। खैर, तैयार होकर आ जाना, मालिक पूछ रहे थे तुम्हारा। अनेक्सी हो या घर का कोई और कमरा, क्या फर्क पड़ता है? तो कह रही हूँ, मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे कह दी है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अंधेरे में टकरे मार रहे हैं, यहाँ बैठ के हराम की रोटी खा रहे हैं। सीनियर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या प्रोग्रेस दिखाई है, क्या जवाब दूं उनको मैं? हमने अभी हिम्मत नहीं हारी है। हमारे पास वाहिद क्लू मोबाइल की लोकेशंस है। हालांकि अभी तक मोबाइल हमारे हाथ नहीं आया, मगर फिर भी जो डेटा हमें कंपनी से मिला है, हम उसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कोई नई बात पता चली उस डेटा से? कोई क्लू मिला है? जी मैडम, जिस रात वलीद गायब हुआ, उस रात एक रिहायशी इमारत जो सेंट्रल पार्क के करीब है, वो वहां गया था। उसे वहां से अपनी एक दोस्त को कॉल भी की थी। ओके गुड, टीम बनाओ अपनी, लेके जाओ वहां पे। हमें इसी क्लू के ऊपर फोकस करना होगा। वो जरूर अपने किसी वाकिफ या दोस्त से मिलने के लिए गया होगा। वहां पे जो भी मिले उसे उठा के थाने लाओ और तफ्तीश करो। जी मैडम। डिसमिस्ड। तनवीर, इधर आओ। घर में पानी नहीं आ रहा, नहाते नहीं हो? नहीं मैम, मैं नहा के आया था। ये नहा के आते हो हैं? सर मुंडवा दिया तुम्हारा, खुजली की आदत नहीं गई? आदत है मैडम मुझे। चलो जाओ। यस मैम। हाँ जी फरा, क्या है? अस्सलामुअलैकुम मालिक। जख्म भर गया तुम्हारा? जी। खुशकिस्मत हो, वरना कुछ जख्म तो सारी उम्र नहीं मरते। मालिक आप उनसे बे इंतहा मोहब्बत करते थे, फिर क्यों मार दिया उन्हें? तभी तो मार डाला मैंने। अगर वो मेरे लिए गैर मामूली होती तो शायद मैं छोड़ देता उसको। माफ भी तो कर सकते थे। तुम कह सकते हो ये सब क्योंकि तुमने अभी तक रकाबत का जहर नहीं चखा। अगर वो मुझे खुद अपने लिए छोड़ती तो शायद मैं उसको माफ कर देता, बर्दाश्त कर लेता। आपने मुझे वहां पे क्यों नहीं खत्म कर दिया? मैंने भी धोखाधड़ी की थी आपके साथ। तुम तो पहले ही वहां मरने के लिए तैयार बैठे थे। मरे हुए को क्या मारता मैं?
दुश्मन से इंतकाम लेना हो तो उसका जिंदा होना बहुत जरूरी होता है। क्यों लिए तुमने उसके सारे इल्जाम अपने सर? बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें धोखा देकर किसी को मिलने जाती थी? मालिक, मुझे गवारा नहीं था कि आपके जाती गार्ड और अमले के सामने आपकी गैरत या इज्जत पर हर्फ आए, ताकि बीबी साहिबा की हकीकत सबके सामने ना आए। जाओ, गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए। मामला ठंडा होगा तो बुला लूंगा तुम्हें। जी बिल्कुल। तो कर सकते थे। तुम कह सकते हो सर, क्योंकि तुमने अभी तक रकाबत का जहर नहीं चखा। आप खुशकिस्मत हो मालिक, कोई आपका रकीब तो निकला। मैं तो सारी जिंदगी किसी का रकीब भी ना बन सका। मालिक, पुलिस उस प्लाजे तक पहुंच गई है जहां लैला सभा की दोस्त रहती थी। क्या बना उस लड़की का? वो मिले? वो उस दिन से गायब है। जब तक वो मिली जाती है, बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा। वाहिद गवाह है वो उन दोनों की मुलाकातों की। जी मालिक, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए। मिल जाए तो सीधा मेरे पास लेकर आना उसे। अभी भी उसकी आंखों में लैला की आखिरी झलक मौजूद होगी। देख लूंगा तो कुछ दिन और गुजर जाएंगे। जी मालिक, ऐसा ही करूं। वो परिजात का क्या करना? गुरु के पास भिजवा दो उसे। नायाब आदमी है,
ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी मैम। परिजनों।